एक गांव था जहां लोग क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने सोचा कि क्यों न रात में क्रिकेट खेला जाए। दिन भर की गर्मी और कामकाज के बाद रात का समय थोड़ा ठंडा और आरामदायक होता है। उन्होंने फैसला किया कि खेल का मैदान गांव के बाहर जंगल के पास होगा, क्योंकि वहां चांदनी रात में रोशनी अच्छी होती है। रात के 8 बजे सब अपने बल्ले, गेंद और स्टंप्स लेकर मैदान पर पहुंच गए। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ जंगल की हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उन्होंने स्टंप्स लगाए और खेल शुरू किया। पहली गेंद पर रवि ने जोरदार शॉट मारा और गेंद जंगल की ओर चली गई। अर्जुन गेंद लेने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और गेंद लेकर वापस आ गया। खेल जारी रहा, लेकिन हर बार जब गेंद जंगल की ओर जाती तो खिलाड़ियों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। धीरे धीरे सभी डरने लगे, पर कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि उन्हें डर लग रहा है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सारे स्टंप्स गिर गए। सबने सोचा कि हवा का असर था, लेकिन हवा इतनी तेज नहीं थी कि स्टंप्स गिरा दे। सभी खिलाड़ियों में बेचैनी बढ़ने लगी। उन्होंने खेल को जल्दी खत्म करने का सोचा और तेजी से खेलने लगे। रवि ने एक और जोरदार शॉट मारा और इस बार गेंद सीधे जंगल के अंदर चली गई। अजय, जो बहुत साहसी था, गेंद लेने के लिए जंगल में घुस गया। कुछ मिनट बाद उसने जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ। सभी खिलाड़ी चौंक गए और दौड़कर अजय की आवाज की तरफ गए। जब वे वहां पहुंचे तो अजय बेहोश पड़ा हुआ था और उसके पास एक पुराना टूटा हुआ क्रिकेट बैट पड़ा था। बैट पर खून के धब्बे थे। सभी डर से कांपने लगे। उन्होंने अजय को उठाया और गांव की ओर दौड़ पड़े। गांव पहुंचते ही उन्होंने अजय को होश में लाने की कोशिश की। जब अजय होश में आया तो उसने बताया कि उसे जंगल में एक पुरानी क्रिकेट टीम के भूत दिखाई दिए। वे उसे गेंद वापस करने के लिए मना कर रहे थे और तभी उन्होंने हमला कर दिया। इसके बाद गांव वालों ने फैसला किया कि वे कभी रात में क्रिकेट नहीं खेलेंगे और जंगल के पास जाने से भी बचेंगे। कहते हैं कि उस रात के बाद जब भी कोई रात में उस मैदान के पास जाता, उसे भूतिया आवाजें और चीखें सुनाई देती। इस घटना के बाद गांव में रात को क्रिकेट खेलने का नामोनिशान ही मिट गया। हर कोई अब दिन में ही खेलता और रात होते ही अपने घरों में सुरक्षित रहता।